नमस्कार, मैं रितेश कुमार, गोडविल गगोनी से। गोडविल गगन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान के पाठ 2 पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है उत्को में भी हम चर्चा करेंगे पादप उत्तक पर। देखिए पादप उत्तक, पहले तो उत्तक क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक जो है समान उत्पत्ति और समान रूप से कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो संरचना में भी समान हो और कार्य में भी समान हो, तो वे उत्तक कहलाता है। यानी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो संरचना में, यानी जिनकी रचना भी समान है और क्रियात्मक क्रिया भी समान है, समान कार्य करते हो, समान ही कोशिकाओं से मिलकर के बने हों, तो वे क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। मैंने पहले पार्ट में आपको समझा था, जब कोशिका बड़ी, कोशिका क्या होती है? कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिकाओं से मिलकर के उत्तक बनते हैं, कोशिकाएं मिलकर के आपस में उत्तकों का निर्माण करती हैं। अब देखिए इस प्रकार से जो जंतु या जीव होते हैं वे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी का जो जीवन होता है, उनकी जो जीवन की सभी मूलभूत क्रियाएं होती हैं, जितने भी उनमें संरचना क्रिया होती है, सभी एक ही कोशिका में निहित होती है, यानी कि एक ही कोशिका के अंदर वे अपने सारे कार्य करते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के अलग अलग प्रकार की रचना बनाते हैं और अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण होता है, तो वे अलग अलग अपने क्रिया करते हैं। अब बात करते हैं पौधों की। यानी पौधों में बहुत सारे वैसे तो अंग होते हैं, उत्तक होते हैं, तो जो पादप उत्तक हैं, पादप उत्तक को हम विभाजित कर सकते हैं दो। पादप उत्तक के दो भाग होते हैं मुख्य, विभोज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। अब विभोज्य उत्तक के तीन भाग होते हैं, शीर्षस्थ उत्तक और अंतर्वेशी उत्तक, और तीसरा होता है इसका पाषाण उत्तक। पाषाण उत्तक फिर स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के भाग होते हैं दो, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक के भाग में मर्दोत्तक, स्फुटकोणोत्तक, दृढ़ोत्तक और जटिल उत्तक के दारु या जाइलम, और दूसरा होता है इसका कोषवाहक या फ्लोएम। अब हम आज चर्चा करेंगे विभोज्य उत्तक पर। इसका नाम विभोज्य उत्तक है, यानी नाम से दिखाई देता है, नाम से हम समझ सकते हैं विभोज्य मतलब विभाजित होने वाला। यानी ये ऐसे उत्तक होते हैं जो जीवन भर जो है विभाजित होते रहते हैं, यानी कि विभाजित होकर के दूसरी कोशिकाओं का निर्माण, दूसरे उत्तक का निर्माण करते हैं, दूसरी कोशिकाएं बनाते हैं, उन कोशिकाओं से उत्तकों का निर्माण होता है। अब ये मैंने यहां बताया कि ये होता है शीर्षस्थ उत्तक, इसमें ये कहा होता है ये उत्तक पौधे की पत्तियों में और जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों की जो आखिरी होती है तो वो उत्तक कहा जाता है जड़ों में और पत्तियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो शीर्षस्थ उत्तक इनके जड़ के जो सबसे आखिरी भाग होता है, जो सबसे बाहरी भाग होता है वहां होता है शीर्षस्थ उत्तक। उसके पीछे जाओ जहां से पत्तियां वगैरह जो भी होती है वहां होता है अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक, और जो पाषाण उत्तक होता है जो वहां से शाखा या मूल जो जड़ होती है वो जहां से निकलती है पौधे के भाग से जुड़े हुए वहां से होता है पाषाण उत्तक। अब मैं इनके इसके विषय में बताऊंगा आपको कि विभोज्य उत्तक, ये उत्तक अपरिपक्व कोशिका के बने होते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि ये अपरिपक्व पक गए और एक समान रहते हैं, नहीं, ये अपरिपक्व कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं जिनमें समसूत्री विभाजन होता रहता है। ये विभाजित होकर के स्थायी उत्तक बनाते हैं। विभोज्य उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और ये पौधों की वृद्धि वाले भागों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि तना है, फूल है, पत्तियां हैं, जड़ है। अब इसके लक्षण कि किस प्रकार के होते हैं? प्रत्येक कोशिका सघन कणिका युक्त कोशिका द्रव्य से भरी हुई होती है। प्रत्येक कोशिका का आवरण यानी उसके जो बाहरी ओर है वो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति के रूप में होता है। छोटी छोटी कोशिकाएं छोटी छोटी अंडाकार बहुमुखी और समव्यासी होते हैं, और इनका जो बहुमुखी समव्यासी होते हैं इनके बराबर समान व्यास के होते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। रसधानी प्राय छोटी या अनुपस्थित रहती है।
कोशिका के मध्य अंतरास कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, इनके बीच में जो स्थान है वो नहीं होता है। अब इनके प्रकार विभोजन तक तीन प्रकार के बताए मैंने, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। मैंने उसमें चित्र में बता दिया आपको ये पौधे के कहां कहां भाग में पाए जाते हैं। अब देखो शीर्षस्थ विभोजोतक, यह प्राथमिक विभोजोतक है जो तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, यानी शीर्ष मतलब सिर पर उपस्थित होता है और पादपों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। पौधों की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसका कारण यह उत्तक ही होता है। शीर्षस्थ उत्तक ये निरंतर जो है विभाजित होता रहता है और विभाजित होकर के जड़ और तने और शीर्ष पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करता है। शीर्ष स्थान को जहां इस प्रकार के विभोजोतक पाए जाते हैं उसको कहते हैं वृद्धि प्रदेश, इनके वृद्धि करने वाला स्थान उसको कहते हैं वृद्धि प्रदेश। दूसरा है अंतर्वेशी विभोजोतक, ये विभोजोतक पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व, यानी जहां से टहनी निकलती है उसको पर्व संधि बोलते हैं। तो जैसे कि पौधे की जड़ है और ये मूल गोप हुई, मूल तो इसमें से जो निकला भाग ये होता है पर्व संधि। तो दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये विभोज्योतक उत्तक के वे भाग होते हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं, यानी ये अलग जड़ का निर्माण, अलग पत्ती, अलग शाखा का टहनी का निर्माण करते हैं। अंतर्वेशी विभोज्योतक स्थायी उत्तकों के बीच में पाए जाते हैं, ये पादपों की लंबाई के लिए वृद्धि या लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर तीसरा है पार्श्व विभोज्योतक, पार्श्व विभोज्योतक ये उत्तक तने या मूल की परिधि में पाए जाते हैं, तने एवं मूल इनके जड़ की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि मोटाई को जो बढ़ाता है वो पार्श्व विभोजक उत्तक होता है। अर्थात उत्तक तने एवं जड़ में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्राथमिक वृद्धि कहां से हुई, प्राथमिक वृद्धि हुई आपकी अंतर्वेशी और शीर्षस्थ विभोजोतक से, और जो द्वितीयक वृद्धि हुई वो पार्श्व विभोजोतक से हुई। ये उत्तक संवहन उत्तक भी बनाते हैं, ये उत्तक द्विबीजपत्री पादपों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें द्विविभोज्योतकी भी कहते हैं। जैसे कि वृक्ष की छाल के नीचे कार्क या एधा के रूप में पाए जाते हैं। तो कह रहे बच्चों आज मैंने आपको समझा दिया कि जो पादप उत्तक है दोबारा डिवाइड करें, पादप उत्तक दो भागों में विभाजित किए जाते हैं, विभोज्योतक, स्थायी उत्तक, विभोज्योतक, शीर्षक उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक, पार्श्व उत्तक। मैंने आपको समझा दिया, अगली वीडियो जो होगी वो स्थायी उत्तकों के विषय में होगी। तो मुझे आशा है कि आपको जो है इससे लाभ मिलेगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने जो छात्र हैं जो अपने सहपाठी हैं उनको भी बताएं कि विद्यालय में जो कार्य है वो सुचारू रूप से पढ़ाई का चला हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का कष्ट करें। धन्यवाद।